और इधर इनेलो नेता अभय चौटाला ने महंगाई, बेरोजगारी और खनन माफिया के बहाने सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का पूरी तरह से दिवाला निकला हुआ है। वहीं इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए हैं। इस मौके पर अभय चौटाला ने वृद्धावस्था पेंशन काटने के विरोध में 5 अगस्त को जिला स्तर पर प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया। अच्छे निर्णय लेने की बजाय सत्ता में बैठे लोगों ने इस प्रदेश को लूटने का काम किया है। सरकार बनने के बाद महंगाई की जो दर है, आज हरियाणा प्रदेश देश में सबसे ज्यादा महंगाई में अव्वल नंबर पे, 1 नंबर पे आता है, सबसे ऊपरली पंक्ति में है। जबकि हरियाणा प्रदेश जो है एनसीआर का हिस्सा है और एनसीआर में हरियाणा के 8 नौ डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी बेरोजगारी की सबसे बड़ी मार इस प्रदेश में आज है। नगर पालिका और नगर परिषद में भ्रष्टाचार है। अमृत योजना के तहत आया हुआ जो पैसा है वो सत्ता में बैठे लोग जो है केवल खाना पूर्ति करके उस पैसे को खाने का काम किया है।